पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफी उथल पुथल मची हुई है। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि बाबर आजम, शाहीन साफरीदी और नशीम शाह को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान टीम ने करिश्माई खेल दिखाते हुए 3 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज जीती थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और भी सख्ती नजर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम और शाहीन साफरीदी को जिम्बाब्वे दौरे से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और साथ ही नए वनडे और टी20 कप्तान का भी ऐलान कर दिया है। तो किसे बनाया है कप्तान और क्या है टीम, चलिए आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब नए टी20 और वनडे कप्तान का ऐलान कर दिया। उसने मोहम्मद रिजवान को इसकी जिम्मेदारी दी है। मोहम्मद रिजवान अब वनडे और टी20 टीम के कप्तान बन चुके हैं और उन्हीं की अगुवाई में टीम उनकी जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलेगी। अगर बात करें बाबर आजम और साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी की, तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को इस वनडे स्क्वाड में जो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाएगा वहां पर मौका नहीं दिया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के आप दोनों खिलाड़ियों की वापसी हो गई है। वहीं साथ साथ पीसीबी ने वाइस कैप्टन का भी ऐलान कर दिया है। वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में सलमान अली आगा इसके नए वाइस कैप्टन होंगे और जो लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की वनडे टीम की, जिसमें है आमिर जलाम, अब्दुल्ला शरीफ, अरफात मिस्वा, बाबर आजम, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हिजबुल्ला विकेट कीपर है, करमान गुलाम, साथ में मोहम्मद हुसैन, साथ में मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरमान खान, नशीम शाह, सईम अयूब, सलमान अली आगा और साथ में शाहीन शाह अफरीदी। यानी इसमें जो वनडे टीम है इसमें बाबर आजम, नशीम शाह और साथ में शाहीन शाह अफरीदी का नाम है, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ जो टीम का ऐलान किया गया उसमें इन दोनों खिलाड़ियों का नाम नहीं है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में टीम के दिन उभरेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।